अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिस। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग खैरियत होंगे। गुड आफ्टरनून जी। बिल्कुल, अभी टाइम जो है 3:30 का हो गया और हम सोए उठे थे तकरीबन 1:20 पे, और उसके बाद जो है वो फ्रेश हो गए और नमाज के लिए चले गए, और कुछ छोटे छोटे काम थे वो किए क्योंकि काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए थे। और अभी जो है वो ऑफिस का कुछ काम था, बस वो चल रहा है और उसको क्लोजअप करते हैं तकरीबन 4:15 तक। तो फिर उसके बाद जो है हम अपना अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और आज थोड़ा सा हम डिफरेंट कुछ कर रहे हैं। और रोबिन जो है वो अर्ली मॉर्निंग चला गया था, तकरीबन 7:30 पे वो निकल गया था। वापस आएगा, अभी वो सरगोधा गया हुआ है, वहाँ से वापस आएगा। आई थिंक कल को वापस आ जाएगा, वहाँ पे उसका कोई फ्रेंड है उसके पास स्टे करने के लिए हो गया है, तो कल को वो वापस आएगा। और अभी देखते हैं कि वो क्या वर्कआउट है वो कर लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन वाइज पे आते हैं। जो भी है, क्या कुछ खास करने को नहीं होगा, नॉर्मल रूटीन वाइज वर्कआउट होगा। मे बी एक दो एक्टिविटीज़ हैं बाहर की करने वाली, वो हम करेंगे, लेकिन अफ्तारी टाइम कोई एक्टिविटी करने वाली है तो इंशाल्लाह वो हो गया। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, आपको शायद नहीं नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे हल्का सा सूरज नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, यहाँ बादल बने हुए हैं हल्के हल्के से, और मौसम प्यारा है, हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आई थिंक कल को या परसों को बारिश भी हो। जो है वो कॉल ही थी बाहर ऑटो वाले की, आई थिंक पकवान सेंटर से जो अफ्तारी के लिए मंगवाया था वो आ गया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? वहाँ पर रखो, बाइक वाली साइड पर रखो। बिल्कुल वही थे भाई, आए थे मैन डिलीवर करने के लिए। एक्चुअली पहले जो थे हम फूड दे रहे थे, जिसमें स्नैक्स वगैरह थी, इनके समोसे पकौड़े यहाँ पे रोल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी, तो वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसकी जो मेन रीज़न थी कि उससे एक तो पेट नहीं भरता और एक वो अनहेल्दी भी है, तो इस वजह से फिर जो है वो अभी यही सोचा कि पकवान सेंटर जो है वो कुछ ना कुछ पका पका लें, ताकि कि एक टाइम का खाना जो दें वो कम से कम वो उनसे पेट तो भर सके एक टाइम का, तो इतना हो सके। तो इस वजह से जो है फिर वो पकवान सेंटर से डायरेक्ट अब जो है ना मंगवा लिया करेंगे इंशाल्लाह, और डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। अभी जो है हमारी पैकिंग जो है वो कम है, तो अभी पैकिंग और मंगवा लेते हैं, बाकी अभी जूस वगैरह के तो पार्टी पड़े हुए हैं, और बाकी भी और मंगवा लेते हैं। वो जाओ जाओ फिर और ले आओ। फूड जो है वो पैक हो गए, और जो बाहर सर्व करना है तो अभी अपनी तैयारी जो है बाद में स्टार्ट करते हैं, वो उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करें। 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट तक हम अपनी जो है तैयारी के लिए चीज़ें रेडी कर लेते हैं। एयर फ्राई में ले लिए 2 समोसे हैं, 2 शामी कबाब ले लिए हैं, और थोड़ी सी फ्राइज ले लिए, है वो पैक हो चुका है, और अभी चलते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको बाहर। चलो महमूद भाई, माशाल्लाह कैसा वेदर भी प्यारा बन गया, अच्छा लगे। थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, कल को देखते हैं कुछ और अरेंज करते हैं जैसे भी पॉसिबल हो सका।
अभी जो है हम वापस आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:50। अभी हमारे पास टाइम है 20 मिनट्स और 20 मिनट्स में जो है हम अपना तैयारी कर लेते हैं क्योंकि हम हमारा भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है करने को। थोड़ा सा माशाल्लाह के साथ आज थोड़ा सा काम सही रहा और थोड़ा सा ठीक भी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है वो रेडी होगी। जो हमारा फ्रूट चाट है क्रीम चाट वो हमने तैयार कर लिया, जैसे इसको मिक्सअप करना है नहीं वाले के लिए। ये सारा कुछ रेडी है और कटिंग प्याज भी, पुदीना भी हो गया, हरी मिर्च भी हो गई है और एयर फ्राई जो है वो मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। तब मैंने हाफ फ्राई कर लिया था, हाफ फ्राई रहता है वो दोबारा से फ्राई हो जाएगा जो हमारी चीज़ें फ्राई करने वाली थी। तो पानी वगैरह भी बना के रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अपने टाइम पे जो है वो रेडी हुए। 6:19 हो चुके हैं। क्यों हो गए? और माशाल्लाह के साथ हमारी जो अफ्तारी है वो भी रेडी हो चुकी है। क्रीम चार, दही भल्ले, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, ये शामी को आप आके ऐसे कल्टस बोलते हैं पोटैटो, बट और ये 150 की बढ़िया हमारा पानी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो चुकी है, नमाज भी पढ़ ली और अभी जो है बाहर चलते हैं देखते हैं। मैं बहुत आई थिंक गार्डन में पानी गैर लगा रहा हूँ, बाहर है भी कि नहीं है वो देख लेते हैं और उसके बाद जो है बाहर जाना है। बट वो थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ओपन हो जाए। माशाल्लाह के साथ जो हमारा गार्डन है ना वो कम्प्लीटली ग्रीन हो चुका है। पहले आपको शायद नज़र आ रहा हो हल्का हल्का सा, तो ये बिल्कुल यहाँ से सूख गया, सूखा नहीं था बेसिकली। ये नया लगाया था सारा, तो पैचेस इसके लगाए थे लेकिन पैचेस आपको पता है जब लगते हैं तो उसके बाद कुछ सर्दी इस तरह की आ गई, फिर हमने ऊपर जो है वो जो एनिमल वेस्टेज होती है वो सारी ऊपर इसके फिल की। अभी ये कटिंग करवाने वाला हुआ हुआ है, देखिए नज़र भी आ रहा होगा। अभी इसको कटिंग नहीं करवाएंगे कम से कम भी ईद तक, ईद के बाद जो है इसको फिर कटिंग करवाएंगे। उसकी बेसिक वजह है कि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह पकड़ कर जाएँ मिट्टी के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो है इसकी कटिंग करवाएंगे। अभी जो है वो बाहर वाली साइड पे बैठा हूँ गार्डन में, तो अंदर थोड़ा सा अपसेट हो रहा था, हालांकि होना नहीं चाहिए बट मे बी रूबन नहीं है तो 2-3 दिन वो यहाँ पे रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा सा चिल मस्ती चल रही थी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है इस टाइम पे और मौसम प्यारा है बाहर का। फिर बाहर बैठा हूँ और इसके बाद अजान होती है, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मूव करते हैं। एक्चुअली कहाँ जहाँ पे पहले मैं स्टे कर रहा था, जिस जगह पे मेरा अपार्टमेंट था पहले, तो वहाँ पे उनके साथ में ही एक ऑफिस था, तो वहाँ पे जाना है उनके पास। काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिला नहीं हूँ, शायद भाई हैं, फैसल भाई हैं, उनसे मुलाकात के लिए जाना है और इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करके वापस आएंगे। तब तक मे भी हो सकता है सहरी का टाइम हो जाए। जी अभी तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हो गया, तो कोई कॉफ़ी वगैरह या फिर चाय वगैरह बनाते हैं। मैंने बाहर जाना था बट जहाँ पे जाना है वो इस टाइम पे कहीं अफ्तारी पे गए हुए थे, तो आई थिंक वो वहाँ से लेट हो जाएंगे क्योंकि डिनर वगैरह करके तो वापस आएंगे। फिर मैंने उनको कहा नहीं कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि वो फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनको बोल दूँ कि मैं आ रहा हूँ तो वो फिर यहाँ तो जल्दी करेंगे तो से आने की, या फिर कुछ ना कुछ दिल में कहेंगे, वो अच्छा नहीं होता इंसान को। मैंने जैसे उनसे पूछा था कि कहाँ पे हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा कि अफ्तारी पे हैं। तो चलें इंशाल्लाह जैसे वो अगर कल को अवेल हुए कल को तो जाएंगे। तो अभी जो है वो कॉफ़ी या चाय कुछ भी, आई थिंक चाय ही का दिल कर रहा है तो चाय पीते हैं। अभी जो है रेडी हो चुके हैं, रेडी क्यों होना था, शूज़ बस मैंने चेंज कर लिए थे वो चेंज किए और बाहर आ गए इन ड्राइव वाला, तो निकलते हैं और इंशाल्लाह फिर वापस आके बात होती है, फिर पहुँच के बात होती है। अभी
वापस आ चुके हैं और आके बस खाना खाया और अभी फ्री हो गए, और इंशाल्लाह अभी जो है वो थोड़ी देर सो जाते हैं क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है सहरी के लिए। इंशाल्लाह नई सुबह के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।